नमस्कार दोस्तों, अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में अपन ने गुड्स के बारे में बात की थी, गुड्स क्या होती है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में अपन यूटिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। यूटिलिटी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या है और जो उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैपेसिटी ऑफ ए गुड्स दैट कैन सेटिस्फाई ए ह्यूमन वॉन्ट्स। किसी भी गुड्स या कॉमोडिटी की कितनी कैपेसिटी है ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने की, वो क्या होगी, यूटिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें अपने जैसे घरों में जो एसी लग रही है उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है, किसी की 1 टन है या 2 टन है, 3 टन है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा टन की वो कूलिंग कैपेसिटी होगी वो उतनी ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी या रूम को उतना ही ज्यादा ठंडा करेगी। ठीक है, तो उसकी वो कैपेसिटी हो गई, ऐसी की जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी वो उतनी ज्यादा यूटिलिटी देगी। ठीक है, और जो यूटिलिटी की जो मेजरमेंट यूनिट है वो क्या है, यूटिल्स है। यूनिट क्या है यूटिलिटी की, यूटिल्स। यूटिल्स में इसको मेजर करते हैं, जैसे अपन लिखते हैं 10 kg, 15 kg, तो यूटिलिटी को कैसे लिखेंगे, 10 utils, 15 utils। ठीक है, तो यूटिलिटी क्या है, कैपेसिटी ऑफ ए गुड्स दैट कैन सेटिस्फाई ए ह्यूमन वॉन्ट्स। ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने की उसकी कितनी कैपेसिटी है या कितना पावर है वो यूटिलिटी होगी। ठीक है, और यूटिलिटी की जो मेजरमेंट यूनिट है वो यूटिल्स है। अपन यूटिलिटी की डेफिनेशन लिखे तो क्या लिखेंगे, कैपेसिटी और पावर ऑफ ए कॉमोडिटी दैट कैन सेटिस्फाई ए ह्यूमन वॉन्ट्स। किसी भी गुड्स या कॉमोडिटी की जो सेटिस्फाइंग जो पावर है वो कितनी है, वो उसकी यूटिलिटी कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते अपन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी या फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट है इसमें यूटिलिटी क्या है, सब्जेक्टिव। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मीन्स जो यूटिलिटी होगी किसी भी गुड्स की वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। ठीक है, कैसे करेगी, जैसे दो पर्सन है ए और बी। ए है वो नॉन वेजिटेरियन है, और जो बी है वो वेजिटेरियन पर्सन है। ठीक है, और अपने पास गुड्स है वो कैसी है, वेजिटेरियन गुड्स। अपने पास वेजिटेरियन गुड्स। ठीक है, तो ये जो वेजिटेरियन गुड्स है वो पर्सन ए और पर्सन बी दोनों के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, तो वेजिटेरियन जो यूटिलिटी उनके लिए अलग अलग होगी। वेजिटेरियन गुड्स है तो जो नॉन वेजिटेरियन पर्सन है उसके लिए इसकी यूटिलिटी कितनी होगी, वेजिटेरियन गुड्स की, कम होगी या जीरो होगी। ठीक है, जीरो क्यों होगी, क्योंकि जो ए पर्सन है वो इस चीज वेजिटेरियन गुड से सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा नॉन वेजिटेरियन पर्सन को, इसलिए जो यूटिलिटी होगी वो या तो जीरो होगी या कम होगी। ठीक है, और दूसरा जो पर्सन है बी वो वेजिटेरियन पर्सन है, उसको वेजिटेरियन जो गुड्स है वो कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो वेजिटेरियन गुड्स नॉन वेजिटेरियन के लिए जीरो यूटिलिटी देगा या कम यूटिलिटी देगा,
और वेजिटेरियन पर्सन के लिए ज्यादा यूटिलिटी देगा। ठीक है, तो यूटिलिटी क्या है, सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स क्या है यूटिलिटी का, यूटिलिटी इज वेरी विथ पर्पज, यूटिलिटी वेरीज विथ पर्पज, पर्पज के साथ वेरी करती है। कैसे करती है, फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर को अपन अलग अलग पर्पज में काम ले रहे हैं, एक में ले रहे अपन ड्रिंकिंग वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर, और इसका जो सेकंड पर्पज है वो है इरिगेशन, या किसी इंडस्ट्री में काम में ले रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज, तो जो वाटर है वो अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग काम आ रहे, जैसे ड्रिंकिंग वाटर में ले रहे एक, तो एक ले रहे अपन इरिगेशन में, तो इनसे जो यूटिलिटी मिलेगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर से यूटिलिटी मिलेगी वो अलग होगी, और जो इरिगेशन या जो इंडस्ट्री में यूज ले रहे वाटर उससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो अलग होगी। तो क्या है, यूटिलिटी वेरीज विथ पर्पज, पर्पज के साथ यूटिलिटी वेरी करती है या चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए कुछ और होगी यूटिलिटी, और इरिगेशन वाटर के लिए वाटर की जो यूटिलिटी है वो कुछ और होगी। ठीक है, तो सेकंड था यूटिलिटी वेरीज विथ पर्पज। थर्ड अपन बात करें, यूटिलिटीज वेरीज विथ टाइम, टाइम के साथ यूटिलिटी कैसे चेंज होती है वो देखें। यूटिलिटी वेरीज विथ टाइम, टाइम के साथ यूटिलिटी कैसे वेरी करती है या चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें कोल्ड ड्रिंक की, तो कोल्ड ड्रिंक अलग अलग टाइम में अलग अलग सेटिस्फेक्शन देगा, जिससे अलग अलग यूटिलिटी डिराइव होगी। ठीक है, तो समर सीजन में जो कोल्ड ड्रिंक अपन कंज्यूम करेंगे तो उससे सेटिस्फेक्शन अपने को ज्यादा मिलेगा, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो यूटिलिटी ज्यादा डिराइव होगी। ठीक है, और एक होती है विंटर सीजन, विंटर सीजन में अपन कोल्ड ड्रिंक के कंज्यूम से अपने को सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि सर्दी में जो कोल्ड ड्रिंक है वो, ठीक है, तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो कम मिलेगा, जो और जो उससे यूटिलिटी डिराइव होगी वो भी कम होगी। ठीक है, तो यूटिलिटी वेरीज विथ टाइम, टाइम के साथ यूटिलिटी वेरी या चेंज होती रहती है। ठीक, तो कोल्ड ड्रिंक समर सीजन में ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, उससे यूटिलिटी ज्यादा डिराइव होगी, और कोल्ड ड्रिंक विंटर सीजन में कम सेटिस्फेक्शन देगा, जिससे यूटिलिटी कम डिराइव होगी। क्यों, विंटर में कोल्ड ड्रिंक क्या है, ऑलरेडी कोल्ड है, तो विंटर में ये सेटिस्फेक्शन को कम कर देगी। ठीक है, और समर में सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा देगी। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन टी का। ठीक है, टी समर में तो क्या कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, समर सीजन में तो, ठीक है, इससे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो यूटिलिटी कम डिराइव होगी। ठीक है, और विंटर में, विंटर सीजन में सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा चाय से। ठीक है, क्यों, चाय क्या है, हॉट है, हॉट है, और विंटर में जो अपना जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। ठीक है, तो इससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, जिससे यूटिलिटी ज्यादा डिराइव होगी। ठीक है, ये हो गया यूटिलिटी वेरीज विथ टाइम, टाइम के साथ कैसे वेरी करती है यूटिलिटी। वो लास्ट है यूटिलिटी वेरीज विथ ओनरशिप, ओनरशिप के साथ यूटिलिटी कैसे चेंज होती है। वेरीज विथ ओनरशिप, ओनरशिप मीन स्वामित्व, स्वामित्व चेंज होने पर यूटिलिटी कैसे चेंज होती है वो देखेंगे।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लैंड है, ठीक है, तो लैंड जो अपनी एग्रीकल्चर लैंड मान लेते हैं, एग्रीकल्चर लैंड है वो अभी तो क्या है, किसके पास है, फार्मर के पास है, ठीक है। उसको अगर अपन बेच देते हैं, कोई बिजनेसमैन खरीद लेता है, ठीक है, तो बिजनेसमैन कोई खरीद लेता है और उसको वो कॉमर्शियल लैंड में कन्वर्ट करना चाहता है, वहां प्लॉट कटा देगा कुछ इंडस्ट्री के लिए, कुछ या कुछ फैक्ट्री के लिए वो जगह लिए उसने, ठीक है, तो उसको वो कॉमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कर देगा, जिससे लैंड की यूटिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कॉमर्शियल लैंड में जो यूटिलिटी है वो ज्यादा होगी और जो एग्रीकल्चर लैंड में यूटिलिटी कम होगी, ठीक है। तो यूटिलिटी वेरीज विथ ओनरशिप, स्वामित्व के साथ यूटिलिटी चेंज होती रहती है। एग्रीकल्चर लैंड थी तब तब उसकी यूटिलिटी कम थी, लेकिन जैसे ही वो किसी ने खरीद ली और फैक्ट्री वैक्ट्री डालने की सोची वहां, तो वो कॉमर्शियल लैंड हो गई और कॉमर्शियल लैंड की जो प्राइस थी वो बढ़ गई, उससे यूटिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो ये कह रहा, यूटिलिटी वेरीज विथ ओनरशिप, स्वामित्व चेंज होने पर भी यूटिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब चलते हैं अपन टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की ओर। तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में चार टाइप की यूटिलिटी होती है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में वही फोर टाइप। फर्स्ट इज होम यूटिलिटी। होम यूटिलिटी मीन्स किसी भी कॉमोडिटी या गुड्स की फॉर्म चेंज करने से उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो होम यूटिलिटी क्या है, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ ए कॉमोडिटी, ठीक है, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ ए कॉमोडिटी, उससे क्या होगा, जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाएगी। चेंजिंग द फॉर्म ऑफ ए कॉमोडिटी दैट डिराइव मोर यूटिलिटी, उससे जो यूटिलिटी होगी वो ज्यादा होगी फॉर्म चेंज करने से। फॉर एग्जाम्पल पेडी टू राइस, राइस की यूटिलिटी कम है और जो राइस वो सॉरी पेडी की यूटिलिटी कम है और राइस की यूटिलिटी ज्यादा है, ठीक है। पेडी की यहाँ यूटिलिटी तो है, कुछ ना कुछ तो है, लेकिन राइस से कम है, ठीक है। तो पेडी से जो राइस बना वो कैसे बना, प्रोसेसिंग से बना है, ठीक है, प्रोसेसिंग से बना है। तो यहाँ जो यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है वो कौन कर रहा है, प्रोसेसिंग। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं प्रोसेसिंग क्रिएट्स यूटिलिटी, जो यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है वो प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है, प्रोसेसिंग से यूटिलिटी क्रिएट हो रही है। प्रोसेसिंग से अपन क्या कर रहे हैं, फॉर्म चेंज कर रहे हैं, किसी कॉमोडिटी की फॉर्म चेंज कर रहे हैं प्रोसेसिंग से, ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हैं अपन वीट टू फ्लोर, वीट की जो यूटिलिटी है वो कम होगी, फ्लोर की यूटिलिटी ज्यादा होगी। कॉटन टू क्लॉथ, कॉटन की यूटिलिटी कम होगी जबकि क्लॉथ की यूटिलिटी ज्यादा होगी। तो ये कैसे हो रहा है, फॉर्म के चेंज होने से यूटिलिटी बढ़ रही है, इसलिए ये फॉर्म यूटिलिटी है, ठीक है। और इसमें जो यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है वो कौन कर रहा है, प्रोसेसिंग। अपन तो फॉर्म चेंज कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, प्रोसेसिंग से कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोसेसिंग क्रिएट्स यूटिलिटी। सेकेंड अपनी प्लेस यूटिलिटी, सेकेंड है प्लेस यूटिलिटी, मीन्स प्लेस के चेंज हो जाने से यूटिलिटी बढ़ जाएगी, तो वो होगी प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी, प्लेस
प्लेस के चेंज हो जाने से किसी कॉमोडिटी या गुड्स की अगर यूटिलिटी बढ़ती है तो वो प्लेस यूटिलिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ जो यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है वो कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। अपन कॉमोडिटी ट्रांसफर करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो वो कैसे होगी? ट्रांसपोर्टेशन से। ठीक है, तो यहाँ जो यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है वो कौन है? ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें जो एप्पल है, एप्पल हिमाचल प्रदेश या उधर जम्मू कश्मीर उधर ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो एप्पल है वो प्रोडक्शन या जो सरप्लस वाले रीजन से, जो स्केर्स जो रीजन है जहाँ एप्पल का प्रोडक्शन कम होता है उस रीजन की ओर लाते हैं तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे अपन? एप्पल ट्रांसफर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू राजस्थान। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश से राजस्थान में अपन एप्पल लाएंगे तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? राजस्थान में जो एप्पल है उसका प्रोडक्शन कम है और हिमाचल प्रदेश में जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा है, इसलिए ज्यादा प्रोडक्शन वाले रीजन से कम प्रोडक्शन वाले रीजन में आते हैं तो किसी गुड्स या कमोडिटी की यूटिलिटी बढ़ जाती है, तो वो हो गई प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, प्लेस चेंज करने पर यूटिलिटी बढ़ रही है इसलिए वो प्लेस यूटिलिटी है। ठीक है, और यहाँ जो यूटिलिटी क्रिएट करेगा वो कौन करेगा? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्या है? टाइम यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी अपनी जो जो एग्रीकल्चर कॉमोडिटी होती है वो कैसी होती है? सीजनल होती है। अगर उस एग्रीकल्चर कॉमोडिटी को अपन स्टोर कर लेते हैं थोड़े टाइम के लिए और ऑफ सीजन में बेचते हैं तो उसकी प्राइस ज्यादा होगी, प्राइस ज्यादा होगी तो उसकी यूटिलिटी भी ज्यादा डिराइव होगी। ठीक है, तो यहाँ जो टाइम यूटिलिटी में जो यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है वो कौन कर रहा है? स्टोरेज, स्टोरेज, स्टोरेज कैसे कर रहा है? जैसे कोई कॉमोडिटी जैसे ले लेते अपन ओनियन है, ओनियन जैसे सीजन में तो 4-5 रुपए किलो में बिकते हैं, अगर अपन उसी ओनियन को स्टोर कर लेते हैं गोडाउन में कहीं, ठीक है, तो स्टोर कर लेते हैं और अपन ऑफ सीजन में बेचते हैं या फिर उनके भाव बढ़ जाए तब बेचते हैं तो उनसे जो यूटिलिटी डिराइव होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ जो यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है वो कौन कर रहा है? स्टोरेज, स्टोरेज क्रिएट्स यूटिलिटी। ठीक है, तो टाइम यूटिलिटी में क्या है? अपनी जो कॉमोडिटी होती है उसको थोड़े टाइम के लिए अपन स्टोर रख लेते हैं जिससे उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? वही कि अपन उनको थोड़े दिन के लिए रोक लेंगे तो जो ऑफ सीजन है उसमें बेचेंगे तो उसकी जो प्राइस है वो ज्यादा मिलेगी अपने को और सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, उससे क्या होगा? यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, टाइम यूटिलिटी में जो यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है वो क्या? स्टोरेज। नेक्स्ट चलते अपन लास्ट है पजेशन यूटिलिटी। पजेशन मीन्स, पजेशन मीन्स जो स्वामित्व है उसको बोलते हैं अपन। तो पजेशन यूटिलिटी में क्या होगा? इसमें जो कॉमोडिटी है या गुड्स है उसको अपन ओनर्स, उसकी ओनरशिप चेंज कर देंगे तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। ओनरशिप कैसे चेंज करेंगे? या तो किसी गुड्स या कॉमोडिटी को खरीद लेंगे या फिर बेच देंगे, तो बाइंग एंड सेलिंग या यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ ए कॉमोडिटी। तो किसी कॉमोडिटी की अपन ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं या किसी कॉमोडिटी को अपन बेच देते हैं या खरीद लेते हैं तो उससे उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे
जो लैंड है अपनी वो कैसी है, एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। तो ये अभी फार्मर के पास है, ठीक है। अगर फार्मर इसको बेचता है, सेलिंग करता है इसकी, इसको सेल कर दिया, ठीक है, तो किसी बिजनेसमैन ने खरीद दी, तो वो क्या करेगा इसमें, इसमें या तो वो कुछ इंडस्ट्री डालेगा, या इसमें प्लॉट कटवा के कुछ मॉल वगैरह कुछ भी करेगा, और इसको जो कॉमर्शियल लैंड है उसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो कॉमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी जो यूटिलिटी थी लैंड की वो बढ़ गई, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे यूटिलिटी इसकी कम थी, और जैसे ही ये कॉमर्शियल लैंड में कन्वर्ट हुई, इसकी यूटिलिटी बढ़ गई। तो यहाँ कैसे, ओनरशिप चेंज होने से यूटिलिटी बढ़ी है, ठीक है। यहाँ ओनर कौन था, यहाँ फार्मर था ओनर, लेकिन यहाँ कौन है, कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, जिसने ये लैंड खरीदी थी, ठीक है। तो यहाँ जो यूटिलिटी क्रिएट हो रही है वो कैसे हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग से हो रही है। तो अपन लिख सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए कॉमोडिटी, किसी कॉमोडिटी को अपन या तो बेचते हैं या खरीदते हैं, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे पहले एग्रीकल्चर लैंड थी, फार्मर के पास थी, उसने बेच दी किसी बिजनेसमैन को, तो वो क्या हुआ, उसको कॉमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कर लिया, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है लैंड की, वो तो जो उससे यूटिलिटी डिराइव होगी कॉमर्शियल लैंड से वो ज्यादा होगी। और अपन बात करें जैसे जो इम्प्लीमेंट्स है, एक एग्जांपल और लेते हैं, या इम्प्लीमेंट या ट्रैक्टर, ट्रैक्टर की बात करते हैं। अपने पास ट्रैक्टर है, वो या तो खुद का है या फिर किराए पे लिया है, हायर किया है, ठीक है, हायर किया है, तो अपने को जो सेटिस्फेक्शन देगा वो सेल्फ मतलब खुद का होगा ट्रैक्टर, तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, तो उससे ज्यादा यूटिलिटी डिराइव होगी। अगर अपन ने हायर किया है ट्रैक्टर को, ठीक है, किराए पे लिया है, तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो कम मिलेगा, तो यूटिलिटी भी कम डिराइव होगी, ठीक है। अगर सेल्फ मतलब खुद का है ट्रैक्टर, तो उससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा अपने को, और जो हायर किया है उसमें क्या है, अपने को किराया भी देना होता है, तो उससे सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, उससे जो यूटिलिटी कम डिराइव होगी, ठीक है। तो पजेशन यूटिलिटी क्या है, इसमें जो ओनरशिप चेंज करने से यूटिलिटी बढ़ जाती है किसी कॉमोडिटी की, ठीक है, तो वो क्या है, पजेशन यूटिलिटी। थैंक यू।